व्हाट्सअप गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल आई एम वीर वेलकम टू स्टडी लवर देखिए आज मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन डिस्कस करने जा रहा हूँ ये हर एक इंडियन को पता होना चाहिए अगर उनको पुलिस पकड़ कर ले जाती है या फिर उनके ऊपर कोई चार्ज लगा दिया जाता है तो उसको उसके बारे में पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या राइट्स दे रखे हैं ठीक है वैसे हम फंडामेंटल राइट डिस्कस कर रहे हैं और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर एक इंडियन को इसके बारे में पता होना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी या फिर एक नॉर्मल बींग ए सिटीजन ऑफ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो दोनों तरीके से इंपॉर्टेंट होना चाहिए इसलिए मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके चल रहा हूँ आप लोगों ने देखा होगा कितना टाइम मैं ले रहा हूँ इसको पढ़ाने में तो एक आर्टिकल को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो इसलिए आप लोग भी इसको अच्छे से करके चलिए और ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करिए और कमेंट में नीचे लिख भी दीजिएगा अगर आप चाहते हैं थोड़ा मैं चीजों को ज्यादा इतने डीप में ना जाऊँ अगर चाहिए कि ओवरव्यू ही दूँ बस तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा तो फिर मैं ओवरव्यू देना ही स्टार्ट कर दूंगा अगर लग रहा है कि इतना डीप में नहीं जाना चाहिए तो ठीक है तो वो भी आप जैसा आप चाहेंगे ऐसा मैं करूँगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेगा आइए आज का इंटरेस्टिंग पार्ट देखते हैं है क्या एक्चुअल में तो आर्टिकल 20 की बात मैं यहां पर करने जा रहा हूं तो आप ऊपर देख भी सकते हैं इसमें जो मेन पॉइंट लिखा है वो क्या है कि प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर द ऑफेंसेस मतलब जब सिद्ध हो जाए कि आपने कोई गुनाह किया है तो उस टाइम पर क्या फंडामेंटल राइट right आपके पास में अवेलेबल हैं जिससे कि आपको थोड़ी राहत मिल सकती है तो देखिए अगर हमको पता है उनके बारे में तो हम उनको यूज कर सकते हैं अगर नहीं पता है तो फिर उनका होना ना होना बिल्कुल बराबर है तो देखिए अगर कोई चीज़ अवेलेबल है तो फायदा रहता है कम से कम उसके बारे में हमको नॉलेज होनी चाहिए तो इसलिए जो भी आपको पता चलेगा दूसरों को बताइएगा आसपास में जिससे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता चल पाए उसको और इसको आप भी अच्छे से सुनिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा ही है ये हमके लिए वैसे भी काफी अच्छा है देखिएगा आगे क्या पता चलेगा आप लोगों को यहाँ पे देखिए आर्टिकल ट्वेंटी के अंदर लिखा गया है कि ये प्रोटेक्शन देता है किससे आर्बिट्रेरी या फिर एक्सेसिव पनिशमेंट अगर किसी पर्सन को दिया जाता है और ये ऐसा नहीं है कि ये आ, हमारे इंडियन के ही लिए अवेलेबल है क्योंकि ये फॉरनर के लिए भी अवेलेबल है ऐसा नहीं है कोई यहाँ से घूमने आया हुआ है यहाँ पे कोई गुनाह उसने कर दिया तो उसको पकड़ के बार बार पीटा जाए जेल में डाल दिया जाए जो कि ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है वो भी काम उसके साथ में किया जाए तो ऐसा कुछ नहीं करना है हमारे यहाँ पे तो तीन प्रोविज़न है जिसके बेस पे अगर कोई गुनाह किसी का सिद्ध हो जाता है तो उसको वे तीन प्रोविज़न है जो डायरेक्ट करते हैं ठीक है ये काफी इंपॉर्टेंट है इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा सबसे पहला है नो एक्स पोस्ट फैक्टोला इसका क्या मतलब है नो एक्स पोस्ट फैक्टोला तो यहां पर एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आप लोगों को समझाऊंगा मान लीजिए किसी ने किसी की जेब काट ली ठीक है ना कोई चोर है किसी की जेब काट के चला गया तो उस टाइम पर अगर किसी ने किसी की जेब काट ली तो उस टाइम पर उस जेब काटने का जो दंड लिखा हुआ है कि अगर किसी ने जेब काट ली तो उसको यह दंड दिया जाएगा बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोगों ने अपरिचित मूवी देखी होगी ठीक है ना अपरिचित मूवी में क्या करता है देखता है कि ये क्या इसने किसी ने ये गुनाह किया है तो इसका <laughs> देखी होगी मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है अगर नहीं देखी होगी तो टाइम निकाल के देखिएगा किसी ने कोई गुनाह किया है तो उसके लिए क्या दंड दिया जा सकता है तो उसी तरीके से उस टाइम पर अगर कोई गुनाह किया है जेब काटना उस टाइम पर पर जो गुनाह अगर लिखा हुआ है वहाँ पर, तो उस गुनाह के लिए क्या दंड है तो उसी के हिसाब से उसको दंड दिया जाएगा ठीक है ना तो उस तो मतलब उसका लाका उसने किया का कि कि किसी की जेब नहीं काटनी चाहिए तो उस टाइम पर जो अवेलेबल लॉ है उस टाइम पे एक्ट है उसी से काम किया जाएगा एक तो यह बात है इसका मतलब दूसरा क्या है दूसरा यह है कि जो पेनल्टी लगाई जाएगी वो उतनी ही लगाई जाएगी जो ला में प्रिस्क्राइब है ऐसा नहीं है कि उसको बढ़ा के उसके ऊपर लगा दिया जाए ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने जेब काटी उसको बोला जाए कि उसको छह महीने जेल में रहना है और उठा के उसको एक साल तक डाल दिया नहीं ला में लिखा हुआ है छह महीने तो इसका मतलब छह महीने तक ही रहना है ठीक है दूसरे में क्या बोल रहे हैं आगे वाले पॉइंट में तो इसमें क्या है इसमें लिखा हुआ है नो डबल जे पेडी मतलब यहां पर यह है कि मान लीजिए किसी ने कोई गुनाह कर दिया एक बार तो ऐसा नहीं है कि एक बार उसको सजा दे दी ठीक है ना सजा देने के बाद में फिर से पकड़ लाई सेटिस्फाइड नहीं हुए फिर से सजा दे दी जोधा अकबर आप लोगों ने मूवी देखी होगी जोधा अकबर में जब उसका जो भाई रहता है वो गुना गुनेगार पाया जाता है ऋतिक रोशन क्या बोलता है उसको कि इसको छत से नीचे फेंक दो उठा के ठीक है तो उसको फेंक देते हैं सिर की तरफ से तो फिर से बोलता है फिर से उठा के लाओ फिर से फेंको ठीक है मान लीजिए अब किसी ने कोई गुना किया है उसके लिए उसने ला बना दिया कि इसको छत से एक बार फेंकना है मरेगा तो सही है और बच जाएगा तो सही है ठीक है पर लेकिन अगर उसको फिर से रिपीट किया जा रहा है कि एक बार और लेके आओ उठा के

तो पुलिस की मनमानी नहीं चलेगी अगर कोई ऐसा कोई करता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं ओके और ये नीचे वाला काफी इंपॉर्टेंट है अगर किसी आप अगर किसी से कोई गुना हो गया है और उसको किसी ने देखा नहीं है ठीक है ना तो ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है कि पुलिस क्या करे उसको फोर्सफुल्ली कि अपना गुना एक्सेप्ट कर ठीक है तो ऐसा नहीं करना है तो आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली पुलिस पीटती है लोगों को मूवियों में देखा होगा तो क्या होता है वहां पर तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मैंने गुना किया है कोर्ट में जाके नार जाते हैं क्योंकि कोर्ट में ये ये हमारे फंडामेंटल राइट right में लिखा हुआ है कि, कि किसी को उसी के खिलाफ उसी के अगेंस्ट विटनेस नहीं यूज़ करना है कंपेल नहीं करना है अगर वो खुद से एक्सेप्ट करता है कि हाँ मेरे से गुना किया है मेरे से गुना हुआ है तो बात सही है पर ऐसा नहीं करना है कि उसको बोला जाए कि तू एक्सेप्ट करके तूने गुना किया है वो अपनी मर्जी से एक्सेप्ट करना चाहे तो एक्सेप्ट करेगा तो उसको कोई फोर्स फुल्ली नहीं करवा सकता है कि तू एक्सेप्ट कर कि तूने ही गुना किया है तो ऐसा बिल्कुल नहीं कराना है ये भी हमारे पास में राइट है अगर ऐसा कोई कुछ कराता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं ये हमारे पास में फंडामेंटल राइट है पर लेकिन नॉर्मली अगर आप लोग देखेंगे ना ये सारे फंडामेंटल राइट अवेलेबल तो है हमारे पास में पर इनका कोई यूज नहीं करता है क्यों क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता है पुलिस ने अगर कुछ बोल दिया तो डर जाते हैं जरा सी देर में तो अगर उनको पता हो कि हमारे पास में इतनी अच्छी प्रोटेक्शन है तो इनको यूज कर पाएंगे तो कोशिश कीजिए कि आप लोग कि दूसरों को बताएं इनको कि अगर कुछ हो गया मान लीजिए गलती किसी से हो गई है तो ऐसा नहीं है पुलिस उनको परेशान करती रहेगी एक बार कोई जेल से छुटके गया ऐसा नहीं है कि उनको बार बार उठा के जेल में डाला जाएगा उसी गुना के लिए तो ऐसा कुछ नहीं होता है हाँ कुछ एसेप्शन है वो एक्सेप्शन आप लोगों को आगे देखने को मिलेगी कि इस तरीके की कंडीशन किस टाइम पर की जाती है वो आप लोगों को भी आगे देखने को मिलेगा अब जो पीछे ये लिमिटेशन हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में देखी जो इंपोज की गई है ये यहां पर क्रिमिनल लॉ के लिए है क्रिमिनल लॉ मतलब किसी का मर्डर कर दिया कुछ भी ऐसा काम कर दिया जो क्राइम के उसमें आता है ये ऐसा नहीं है कि सिविल लॉ के लिए भी यहां पे इंप्लीमेंट होती है जिस तरीके से टैक्स की चोरी हो गई कुछ इस तरीके से तो ये इस तरीके की एक्टिविटी में नहीं होना है ठीक है ना तो सिविल लॉ जो होते हैं उनमें इंप्लीमेंट नहीं होना है ये क्रिमिनल लॉ में इंप्लीमेंट होना है सिविल लॉ में क्या किया जा सकता है सिविल लॉ में कुछ भी इस तरीके का काम किया जा सकता है मतलब कि उसको डबल भी सजा दी जा सकती है ठीक है तो सिविल लॉ में टैक्स इंपोज कर लिया तो पीछे जाकर भी अगर कोई लॉ नहीं बना हुआ है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मान लीजिए आज से टैक्स लगा दिया और जिसने तीन साल पहले भी टैक्स चोरी की थी तो उसको भी हम इसके अंदर ला सकते हैं समझ में आ रहा है ना अगर किसी ने तीन साल पहले भी चोरी की थी तो उसके ऊपर भी हम प्रक्रिया चला सकते हैं कि उसने उस टाइम पर चोरी की थी तो उसको भी ला के अंडर में ला जा सकता है जबकि क्रिमिनल केसेस में ऐसा नहीं होता है इस टाइम पर जो लॉ अवेलेबल है उसके खिलाफ ही आपके खिलाफ प्रोसीडिंग चल सकती है ऐसा नहीं है कि यहां पे रोक के आपका केस और नया लॉ बनाया जाए और उस लॉ के खिलाफ आप पर केस चलाया जाए तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है ठीक है तो ये केस निकल के आता है तो ये आप लोगों को याद रखना है कई बार आप लोगों ने देखा होगा जुडिशरी के हैंड हाथ बंधे रहते हैं जब बहुत ही क्रिमिनल एक्टिविटी हो जाती है सोसाइटी में तो जुडिशरी के हाथ बंधे रहते हैं उनकी समझ में नहीं आता है कि करना क्या है ठीक है ऐसा ही केस हम लोगों को दिसंबर में देखने को मिला था जिसको निर्भया केस के निर्भया रेप केस के नाम से भी जाना जाता है तो वहां पर भी जुडिशरी के हाथ बंधे हुए थे ठीक है कि जो अवेलेबल है उसके हिसाब से ही काम करना है पर लेकिन कहीं कहीं देखिए कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट भी लगा देते हैं कि जिसको बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन का केस मान लिया जाता है तो वहां पे थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स चले जाते हैं और जैसे आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कई बार मैं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर भी है क्या पावर है कि वो क्या कर सकता है कि एक प्रॉपर वे में जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स आ सकता है अच्छा किस आर्टिकल में ये पावर दे रखी है बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं मैं न्यूज पेपर डिस्कशन के अंदर ठीक है तो आप लोग बताइए इसको कि किस आर्टिकल में ये पावर दे रखी है ओके तो जिससे में कि एक्स जिसमें कि अपने जो उसका प्रॉपर बाउंड्री है उससे भी बाहर जाकर जस्टिस प्रोवाइड कराता है सुप्रीम कोर्ट और आगे एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आती है यहाँ पे जो प्रोटेक्शन आपको दी गई थी अभी मैंने बोला था कि एक बार किसी ने गुनाह कर दिया तो उसको दूसरी बार एक बार किसी को दंड दे दिया तो उसको दूसरी बार दंड नहीं देना है तो ये हमने अभी देखा लास्ट स्लाइड में पर लेकिन ये जो अवेलेबल है ये कोर्ट ऑफ लॉ और जुडिशियल ट्रिब्यूनल के लिए ही अवेलेबल है ऐसा नहीं है कि आप लोग <laughs> मान लीजिए छोटा सा एक फनी एग्जाम्पल है थोड़ा सा क्लास में कोई बदतमीजी की टीचर ने एक बार मुर्गा बना दिया तो इसका मतलब ये नहीं है टीचर दूसरी बार मुर्गा नहीं बना सकता है ठीक है तो फिर से मुर्गा बना सकता है अगर कोई बदतमीजी की गई है तो ठीक है ना तो उसी के लिए आप लोगों को दो बार मुर्गा बना सकता है टीचर का मन करे तो ठीक है तो ये डिपार्टमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटी है वहां पर इंप्लीमेंट नहीं होगा ये ठीक है कि आप लोगों ने गुनाह कर दिया कोई गुना हो गया तो जो लिखा हुआ है एक बार ही सजा दी जाएगी वहां पर मान लीजिए डिटेन कर दिया गया तो दूसरी बार फिर से किया जा सकता है ठीक है तो ये जुडिशियल नेचर पे इंप्लीमेंट नहीं मतलब वहां पे जुडिशियल नेचर पे ही इंप्लीमेंट होता है क्योंकि वहां पे देखिए एक ऑथोरिटेटिव रूल ना बन सके वहां पे इसलिए तो वहां पे इंप्लीमेंट किया जाता है और यहां पे इंप्लीमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव में इस तरीके से चीजें नहीं होती है इसके अलावा जो नेक्स्ट वाला पोर्शन है ये भी इंपॉर्टेंट है जो प्रोटेक्शन दी गई थी अभी अगर किसी को फोर्सफुली नहीं एक्सेप्ट कराना है तो ओरल इविडेंस अगर कोई लेके आ रहा है उस पर भी एक्सेप्ट नहीं करना है डॉक्यूमेंट्री तो यहां पर भी एक प्रोटेक्शन दी जाती है ठीक है पर लेकिन ये जो प्रोटेक्शन है आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा ये सारी प्रोटेक्शन अगर देखा जाए तो ये सिविल प्रोसीडिंग के लिए नहीं है ठीक है ना जो टैक्सेस वगैरह होते हैं स्त्री तरीके को सिविल अगर कोई गुना करता है तो उसके लिए नहीं है क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए है ओनली ठीक है तो यहां पर क्या देखा जा सकता है तो यहां पर लो, आप लोगों लो को ये तीन चार पॉइंट और दे रखे हैं यहां पर तो आप लोगों को माइंड में डिफरेंस रखना है इन सब चीजों से रिलेटेड कि कहां पे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं और कहां पे सिविल केसेस चल रहे हैं ठीक है तो आप लोगों का माइंड में ये जब क्लियर डिफरेंस होगा तभी आप लोगों को तभी आप लोग इनको समझ पाएंगे ढंग से तो यहां पे देखिए कंपलसरी प्रोडक्शन ऑफ द मेटीरियल ऑब्जेक्ट तो कोई भी कंपलसरी प्रोडक्शन मेटीरियल ऑब्जेक्ट का अगर सिविल के लिए है तो वहां पर इंप्लीमेंट नहीं होगा इस तरीके से मान लीजिए किसी ने किसी आप लोगों ने फोर्सफुली किसी ने मांगा कि अपने थम इंप्रेशन दे ठीक है ना सिग्नेचर कल ब्लड का अपना ब्लड का सैंपल लेके आप तो ये सारी बातें ये सारे काम किसमें हो सकते हैं अगर क्रिमिनल नेचर की एक्टिविटी है तो वहां पे एक बार कोई चीजें बोली जा सकती हैं ठीक है थेके? अगर आप लोगों ने क्रिमिनल नेचर का कोई अपराध नहीं किया है तो वहां पर ये इंप्लीमेंट नहीं की जा सकती है देखिए क्राइम को तो सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा तो वहां पर थम इंप्रेशन लिए जा सकते हैं या फिर सिग्नेचर वगैरह या फिर ब्लड का टेस्ट किया जा सकता है या फिर इसके अलावा मतलब री एक्जीबिशन ऑफ द बॉडी मतलब कपड़े भी उतरवाए जा सकते हैं कि कपड़े पे टैटू वगैरह तो नहीं है कहीं मतलब बॉडी पे टैटू वगैरह तो नहीं है कहीं पे तो इस तरीके की एक्टिविटी भी की जा सकती है पर लेकिन ये सारा जो तीनों पॉइंट है ये ओनली जिसने क्राइम किया है तो क्रिमिनल केसेज को सोल्व करने के लिए किया जाएगा ऐसा नहीं है कोई टैक्स चोरी किया तो वहां पर बोले कि आपकी बॉडी पे टैटू देखना कपड़े उतार के दिखाओ ठीक है तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होना है तो ये भी आप लोगों को थोड़ा सा माइंड में क्लियरिटी रखनी है कि कहां पे कौन सा इंप्लीमेंट होता है क्वेश्चन सारे यहीं से निकल के आते हैं कहीं से बाहर से नहीं आते हैं बस थोड़ा सा अगर आप लोग खुले दिमाग से चीजों को सुनेंगे तो सारी चीजें आराम से समझ में आ जाएगी तो इस तरीके से माइंड थोड़ा खुला रखें और चीजों को समझने की कोशिश करें बस अब जो नेक्स्ट वाला आर्टिकल है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार इससे भी क्वेश्चन कई सारे पूछे जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन निकल के आते हैं तो प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ लाइफ पे प्रोटेक्शन करनी है और पर्सनल लिबर्टी इसके बारे में बात की जाती है लिबर्टी मतलब होता है स्वतंत्रता तो हमको क्या स्वतंत्रता है ठीक है ना तो पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात की जाती है यहां पर तो आर्टिकल ट्वेंटी के तहत ये सारी बातें होती है आर्टिकल इक्कीस के तहत तो आर्टिकल इक्कीस के तहत आप लोगों को यहाँ पर दो केस देखने को मिलेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है पहला पहला केस तो है गोपालनाथ ठीक है ना गोपालाना इसके बारे में याद रखना है। तो गोपाला ने इसके बारे में नाम याद रखना है थोड़ा सा आप का और फिर इसको जो यहां पे बातें बोली गई यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे बोला है इंटरप्रिटेशन मतलब नैरोली इसको फॉलो किया गया था केस को इसके बाद में जब ये बात बोली गई यहाँ पे कि ये गलत इसमें थोड़ा चीजें नैरो वे में देखी गई फिर उसको सही किया गया मेनका के केस में ठीक है ना तो इन दोनों को आप लोगों को याद रखना है जो पहले केस में गलती कर दी गई फिर उसको सुधारा गया देखिए सुप्रीम कोर्ट भी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ही एकदम दूध का धुला है और बिल्कुल सारे काम सही करता है उससे कोई गलती नहीं होती है हर एक इंसान से गलती हो सकती है आखिर वहां पर भी इंसान ही बैठे हैं ठीक है थेके? सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की जो सबसे अच्छी बात है अगर कोई गलती करता है तो फिर उसको आगे चल के सुधार लेता है ठीक है और यही सबसे अच्छी बात है कि हम लोगों को भी अपनी गलतियों से सीखना चाहिए अगर गलती कर दी तो देखिए गलती हो जाती है सबसे ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है पर गलती से ना सीखना वो सबसे बड़ी गलती है फिर से उसको रिपीट करना फिर वो बदतमीजी हो जाती है ठीक है तो वो बातें निकल के आती है तो सुप्रीम कोर्ट हमारा टाइम टाइम पर सीखता रहता है चीजों को तो यहाँ पे क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इस वाले केस में जो 1950 में हुआ था ठीक है ना हालांकि देखिए टाइम लग गया 28 साल लग गए इसको आगे चीजों को देखने में पर लेकिन सुधारा ठीक है वो तो थोड़ा पता ये हमारा सुप्रीम कोर्ट थोड़ा डिले चलता है चीजों को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट ने नैरो व्यू लिया ट्वेंटी फर्स्ट आर्टिकल पर तो नैरो व्यू क्या था वो नैरो व्यू ये था कि जो प्रोटेक्शन दे रखी है आर्बिट्रेरी लेजिसलेटिव एक्शन और एग्जीक्यूटिव एक्शन की बात की जा रही है मतलब मतलब अगर कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकल के आता है ठीक है ना तो उसके खिलाफ प्रोटेक्शन है यहां पे मतलब जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आप लोगों ने देखा था कि यहां पर हाईवे के आसपास में 500 मीटर की एरिया में क्या करना है बैन लगा दिया है कि यहां पर दारू नहीं पीनी है मतलब वो उसकी दुकानें नहीं होनी चाहिए तो एक एग्जीक्यूटिव एक ऑर्डर से चीजें इंप्लीमेंट की जाती है इस तरीके की पर लेकिन अगर यहां पर तो आप लोगों की प्रोटेक्शन दी जाती है ठीक है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होकर आप लोगों को परेशान नहीं कर सकता है पर लेकिन बात आती है अगर लेजिस्लेटिव की मतलब कोई ला के थ्रू अगर कोई इस तरीके की एक्टिविटी करती है

ठीक है तो सारे राइट्स छीन लिए गए थे अगर कोई भी किसी तरीके की एक्टिविटी किया जाता है तो वो सब ये जो लिबर्टी वाली या पर्सनल लिबर्टी ये सारे राइट्स सब छीन लिए गए थे ठीक है जबकि नॉर्मली फिर बाद में इसको आप लोगों को देख रहा होगा यहाँ पर बात क्या है यहाँ पर सेवेंटी की बात की जा रही है यहाँ पर जो मेन का, का केस है यहाँ पर सेवनटी एट की बात की जा रही है मतलब सेवनटी सेवन में इमरजेंसी खत्म हो गई जिस टाइम पे इसका यूज किया गया था फिर सेवेंटी एट में जाके फिर सुप्रीम कोर्ट की समझ में आया कि चीज़ों को सुधारना पड़ेगा तो जब ये केस निकल के आया तो जो पहले वाले केस का जो जजमेंट था कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के खिलाफ इसका हो सकता है लेजिस्लेटिव ऑर्डर के खिलाफ नहीं लेजिस्लेटिव कोई भी ला बना के ये सारी चीजें छीन चीज़ सकती है इंसान से तो सुप्रीम कोर्ट ने नेक्स्ट केस में कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि लेजिस्लेटिव नेक्स्ट केस में इसको छीन सकती है ऐसा कुछ नहीं है ठीक है तो यहां पर वो इसको छीन नहीं सकती है ये मेंटेन रहेगा दोनों के खिलाफ चाहे वो लेजिस्लेटिव हो चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो तो फिर यहां पे एक ब्रॉड व्यू निकल के आया इस वाले केस में और जो पहले केस में गलती की थी तो वहां पे उसको सुधारा गया अब आप लोगों को दो वर्ड दिख रहे होंगे यहां पे रेड इसमें ये एक तो हो गया प्रोसेस इस्टेब्लिश बाय लॉ तो एक तो प्रोसेस स्टेब्लिस बाय लॉ हो गया और दूसरा हो गया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है इन दोनों में डिफरेंस थोड़ा समझ लीजिए पहले तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए मैंने हालांकि लास्ट क्लास में बताया भी था फिर से चलिए नीचे कमेंट बॉक्स में चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा इसका चलिए बता देता हूं ढूंढते फिरेंगे आप लोग बताने में थोड़ा आप लोगों को सुलित हो लोग प्रेसिस प्रोसेस स्टैब्लिश बाय लॉ होता है और जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है उनमें डिफरेंस क्या होता है ड्यू अगर पहले इसको देख लीजिए प्रोसेस स्टैब्लिश बाय लॉ क्या मतलब समझ में आ रहा है कि एक प्रोसेस स्टैब्लिश कर दिया हमने ला बनाकर ला बनाकर हम लोगों ने कोई भी प्रोसेस कर दिया मतलब हमने ला बनाया हमारी पार्लियामेंट ने और ला बनाने के बाद में बोल दिया कुछ भी इस तरीके का ला बना दिया जिस तरीके से जो अभी मैंने बोला 500 मीटर के आसपास में कोई भी दारू का ठेका नहीं हो सकता है तो ला बना दिया इन्होंने हालांकि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लिया था ला नहीं था उस टाइम पे आगे इन्होंने चल के पार्लियामेंट में ला पास कर दिया ठीक है तो ला बनने के बाद में अब कोई भी इसको इसको मतलब कोई भी इसको ब्रीच नहीं कर सकता है इसको फॉलो करना ही करना पड़ेगा तो ये हो गया प्रोसेस फॉलो करेगा अगर कोई इसको ब्रीच करता है ये बनाने के बाद भी अगर कोई दुकान बनाता है पांच मीटर की रेंज में तो जो यहां पर उसके खिलाफ केस चलेगा मतलब जो भी यहां पर इसमें प्रोविजन रखे हैं कि उसको जेल होएगी उस पर पे, उस पर पेनल्टी लगेगी तो वो यहां पे इसको यूज किया जाएगा उस पर पेनल्टी लगेगी उसको जेल में भी भेजा जा सकता है तो ये प्रोसेस इस्टेब्लिश बाय लॉ हमने लॉ बना दिया उसके खिलाफ ही उसके हिसाब से ही आपके ऊपर अब केस चलेगा तो ये प्रोसेस स्टैब्लिश बाई लॉ की बात आती है पर लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये हमने लिया है ये प्रोसेस लॉ हमने लिया यूके से ब्रिटेन आप लोग बोल सकते हैं ठीक है ठीके? तो वहां से लिया है लेकिन जब बात आती है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ये एक ब्रॉड ब्रॉड टर्म टर्म ये ये एक broad term है, ये एक है नैरो टर्म है और ये एक ब्रॉड टर्म है यहाँ पे क्या बात होती है यहां पे काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने को मिलता है यहां पे ये बोलता है कि जो आपने ये दोनों चीज इसके अंदर आ जाती है प्रोसेस स्टैब्लिश बाय लॉ और जो प्रोसेस आपने ये स्टेब्लिश किया है लॉ के द्वारा इसको चेक भी किया जाता है कि आपने ये सही किया है या ये गलत है मतलब ला जो आप लोगों ने बनाया है ये सही है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या गलत है अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है तो जो प्रोसेस स्टैब्लिश बाई ला है इसको खत्म करो ये ला खत्म करो अगर ये उसके हिसाब से नहीं है क्योंकि फेयर होना चाहिए सब कुछ ठीक है तो ये यूएसए में होता है अगर आप लोगों को अब एक बात एक देखने को मिली होगी यहाँ पे ये यहाँ पे इतना ज्यादा पावर यहाँ पे क्या दे रखी है अगर यहाँ पे प्रोसेस स्टेब्लिश बाई ला एक बार कर दिया तो ये यूके में होता है तो क्या मतलब है पार्लियामेंट ने अगर कोई ला बना दिया तो फिर किसी की हिम्मत नहीं है उसको टच कर दे ठीक है तो ये यूके में होता है तो पार्लियामेंट वहां पे सोवर है पार्लियामेंट के हाथ में बहुत ज्यादा पावर है वहां पे तो तो ये ये यूके यूके में होता है 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 भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो का प्रोसेस कि पार्लियामेंट ने अगर कोई ला बना दिया तो उसके हिसाब से काम होना है चाहे अब कोई भी हो उसके सामने उसको बक्सा नहीं जाएगा ठीक है पर लेकिन यूएसए में क्या होता है यूएसए में यह होता है कि पार्लियामेंट ने ला तो बना दिया पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट देखेगा उसको अगर पार्लियामेंट ने Within, मतलब विदिन द बाउंड्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वर्क नहीं किया है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा उसको सुप्रीम कोर्ट उसको उठा के साइड में फेंक देगा ला को और बोलेगा कि दूसरा ला बनाओ इस ला को इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा तो यहां पे प्रोटेक्शन भी निकल के आती है एक तरीके से अगर सिटीजन के लिए देखा जाए तो यहां पे पावर किसकी ज्यादा हो गई पार्लियामेंट तो ला बना दिया सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट की ज्यादा पावर हो गई यहां पर तो जुडिशरी की जब पावर की बात आती है ना तो यूएसए की पावर जुडिशरी की ज्यादा है एज कंपेयर टू यूके की यूके में जुडिशरी की इतनी पावर नहीं है जजों की इतनी पावर नहीं है जितनी की यहां पर है यू इसमें यूएसए में है तो दोनों में आप लोगों को डिफरेंस समझना है थोड़ा थोड़ा सा यहां पर प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और यहां पर पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलेंगे आप लोग पार्लियामेंट के हाथ में पावर है यहां पर और यहां पर किसके हाथ में पावर है सुप्रीम कोर्ट के हाथ में ज्यादा पावर है यहाँ पे ठीक है तो थोड़ा थोड़ा सा आप लोग को इस तरीके से भी पता होना चाहिए कि एक्चुअल में चल क्या रहा है और कहां पे क्या चल रहा है ओके okay? तो इसीलिए जब हमारे यहां पर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं ना इसीलिए उसको देखने में मन लगता है हमारा क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे अच्छे अच्छे कॉम्पोनेट उठा रखे हैं जो वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन में है और फिर उनको हमारे हिसाब से उनको यहां पर इंप्लीमेंट किया गया है तो इसीलिए हमको अपने कॉन्स्टिट्यूशन से प्यार करना चाहिए अगर कोई बुक प्यार करने लायक है हमारी कंट्री में तो वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसको इतना प्यार करो मतलब उसको समझो कि है क्या एक्चुअल में बहुत मेहनत करके बनाया गया है वो ठीक है तो ये अमेरिकन एक्सप्रेशन है अमेरिका के द्वारा एक्सप्रेशन दिया गया था ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो आर्टिकल जब ट्वेंटी फर्स्ट की बात करते हैं तो यहां पर यह बात निकल के आती है कि यहां पर यह अवेलेबल है आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन के खिलाफ अवेलेबल नहीं है ये ठीक है अगर एग्जीक्यूटिव कोई ऑर्डर लेती है तो उसके खिलाफ नहीं है यह अगर पार्लियामेंट कोई ला बनाती है हमारे यहां पर उसके खिलाफ इसको यूज किया जाता है मतलब पार्लियामेंट ने लाह बनाया था मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था एनजीएसी ठीक है ना नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन पार्लियामेंट ने ये ला बनाया था किसके लिए जो जज होते हैं उनको अपॉइंट करने के लिए पर लेकिन इसमें 50 परसेंट कोटा जो रख दिया गया था वो रख दिया गया था जो हमारे एमपी होते हैं उनका रख दिया गया था मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन इसमें हो गया था कहीं ना कहीं ठीक है तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है और आप इसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया एनजेसी को खारिज कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ निकल के आता है अगर कुछ भी ऐसा कुछ होता है यहाँ पे तो चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है हमारे यहाँ पे ठीक है तो अगर कोई लाभ मान लीजिए कल को ऐसा कुछ उल्टा सीधा लाभ बना दिया जो कि फंडामेंटल राइट के खिलाफ हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर देगा एकदम क्यों क्योंकि वो उसके हिसाब से नहीं है फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ है वो ठीक है तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के हाथ में ये पावर है जिस तरीके से यूएसए में पावर है तो दोनों तरीके की पावर आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है ओके और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है मैंने आप लोगों को बोला भी था कि हमारे यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट right है वो आपको नॉर्मल देखने के लिए तो दिखेगा कि फंडामेंटल राइट right हमारे घट गए हैं पहले कितने थे सात थे लेकिन अब छः हो गए हैं लेकिन अगर आप लोग ढंग से देखेंगे तो ये बढ़ते ही बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि फंडामेंटल राइट right के अंदर से राइट right निकल के आ रहे हैं ये बात बोली गई है फंडामेंटल राइट right अगर ट्वेंटी की बात की जाए यहाँ पर ट्वेंटी में ये बोला जाता है कि अगर कोई इंसान है तो उसको ऐसे नहीं देखा जाएगा कि बस ये इंसान है एक एनिमल एग्जिस्टेंस की तरीके से नहीं देखा जाएगा क्यों क्योंकि उसको देखिए हर एक इंसान की कुछ इच्छाएं है होती हैं अगर दुनिया में आया है तो उसकी एक प्रोटेक्ट उसको एक आप लोगों ने देखा होगा इज्जत की बात आती है तो एक लाइफ उसको डिग्निटी वाली जीनी है यहां पर ठीक है ऐसा नहीं है कि उसकी बेजती की जाए इंसल्ट की जाए टाइम टाइम पर तो उसको कंप्लीट लाइफ देनी है वो भी इज्जत के साथ में तो वो इज्जत की लाइफ प्रोवाइड कराने के लिए इन आर्टिकलों का यूज किया जाता है तो यही बात यहां पर बोली गई है कि एक एनिमल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना इंसान को इंसान की एक इज्जत है सोसाइटी में उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमको उसको देखना है ठीक है तो उसकी वो इज्जत जो है ऐसा नहीं हुई कोई भी आके बेजती करके चला जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं होना है ठीक है तो यहां पर डिक्लेयर किया गया इसको आर्टिकल ट्वेंटी के अंदर तो देखिए बात वही बोली गई कि डिग्निटी होनी चाहिए डिग्निटी की बात की गई है यहां पर और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर तो कई सारे क्वेश्चन आ भी चुके हैं देखिए हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन में यहां तक भी राइट बनाया गया है कि हम लोगों को एक ऐसा इन्वॉर्मेंट मिलना चाहिए जो कि पोल्यूशन फ्री हो जो पोल्यूशन फ्री हो चाहे वो वाटर की बात हो चाहे एयर की बात हो तो हमको प्रोटेक्ट करना है, है इंडस्ट्री इंडस्ट्री से जो जो कि कि उल्टी सीधी की आप लोग ले सकते हैं जो कि हमको पोल्यूट करती है हमारे इन्वॉर्मेंट को तो उन पर बैन लगाया जाना है अगर इन्वॉर्मेंट को प्रोटेक्शन नहीं कराते हैं तो ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है, तो ये एक्सप्रेशन निकल के कहां से है ट्वेंटी आर्टिकल से यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है इसी के बेस पे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल न जिसको हम बोलते हैं इस तरीके की ऑथोरिटी निकल के आई है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि, कि किस फंडामेंटल राइट right के तहत नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल निकल के आया है तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल किस फंडामेंटल राइट right के तहत निकल के आया है ये आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सा फंडामेंटल राइट right है फंडामेंटल राइट ट्वेंटी के तहत ये निकल के आया है ठीक है तो इस आर्टिकल का आप लोगों को याद रखना है ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में एसएससी में और बैंकिंग में भी सब एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है रिपीटेशन के भी में ठीक है इसके अलावा क्या बोला गया आगे आगे क्या बोला गया है लाइवलीहुड की बात की गई है रोजी रोटी अपनी रोजी रोटी मिलना चाहिए प्राइवेसी की बात भी की है प्राइवेसी के ऊपर देखिए अभी हाँ पर हमारे हमारे सुप्रीम कोर्ट में नाइन जो बेंच नाइन जजों की बेंच बैठी हुई है उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं कि इसको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए क्योंकि प्राइवेसी कई लेवल पर हो सकती है ठीक है एक तो आपकी खुद की प्राइवेसी हो सकती है जो घर के अंदर है यहां पर बात की जा रही है कुछ ऐसी प्राइवेसी जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड हो जाती है तो यहां पर कई तरीके की प्राइवेसी आ जाती है आधार कार्ड का डेटा के रिलेटेड प्राइवेसी आ गई वहां पर आपके थम स्कैन लिए गए हैं आंखों की पुतली जो है उसका भी स्कैन किया गया आयरिस जिसको स्कैन बोलते हैं तो वहां पर दूसरी बात आ जाती है तो इस पर अभी डिस्कशन भी चल रहा है हमारे यहां पर तो देखिए ये एक ही फंडामेंटल राइट के अंदर ये क्या क्या निकल के आ रहा है तो ये एक्स्ट्रा राइट हमारे पास मिल रहे हैं जो कि बढ़ते ही जा रहे हैं ठीक है सेल्टर की व्यवस्था होनी चाहिए हेल्थ की व्यवस्था होनी चाहिए फ्री एजुकेशन होनी चाहिए अप टू द फोर्टीन ठीक है ना तो ये सारे आप लोगों को एक बार इनको पढ़ लोगे ना तो बस आप लोगों को पता चल जाएगा हल्का सा आइडिया लग जाएगा कि हमारे पास में कितने राइट है वो एक अलग बात है देखिए इनको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया जाता उसका रीजन ये है कि इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है कि सबको और कई सारे एक्सेप्शन भी लिया जाता है ये सारे एबसुलूट राइट नहीं है ये आप लोगों को याद रखना है रटने नहीं एक बार पढ़ लीजिए बाउंड्रेड लेबर के बारे में बात किया जाता है कस्टडी में हरासमेंट नहीं करना चाहिए किसी को पकड़ लिया तो ऐसा नहीं है कि उसको पीटे जा रहे हैं वहां पर उठा उठा के ठीक है तो मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना चाहिए तो ये सारे जितने भी हैं यहाँ पर ये राइट right जितने भी हैं ये कोई भी एब्सोलूट राइट right नहीं है ऐसा नहीं है कि ये बस दे दिया बस छुट्टी हो गई आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर आपका राइट right वहाँ पर लिया जा सकता है अगर ये लार्ज स्केल पर सोसाइटी को कोई हार्म पहुँचा रहा है ठीक है तो वहाँ पर इसको खत्म किया जा सकता है तो अगर बात आती है इंडिविजुअल की तो वहां तक तो सही है पर अगर इंडिविजुअल राइट बड़ा हो गया है किससे सोसाइटी के राइट right से तो वहां पर आपके थोड़ा सा इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा जिससे कि सोसाइटी में एक हारमोनी बनी रहे जिस तरीके से हमारे यहां सारे रिलीजन तो एक कास्ट और रिलीजन में प्रॉपर वे में हारमोनी बनाए रखने के लिए हम इसका यूज करते हैं ठीक है ठीके? तो ये आप लोगों को रटने नहीं है कोई भी ये आप लोगों को थोड़ा सा एक बार आंखों में को निकाल लीजिएगा तो पता चल जाएगा कि एक्चुअल बात कहां की जा रही है तो ये भी थोड़े से इतने सारे दे रखे तो इसलिए रटने के लिए नहीं है आप लोगों को ठीक है ना राइट भी इसी से निकल right निकल के के आया। आया, राइट टू जो एक्ट वो कब किया गया? ठीक है, उसके उसके बाद अभी लिख देता <laughs> ये कई बार करता हूं क्वेश्चन पूछ देता हूं बराबर में राइट टू इंफॉर्मेशन कब इंप्लीमेंट किया गया एक्ट कब निकल गया ठीक है थीके? तो ये सारी बातें यहां पर आती है एक अच्छी लाइफ मिलनी चाहिए आपकी हियरिंग होनी चाहिए ये नहीं है कि आपको मतलब उठा के ले गए वहां पे कोर्ट में उठा के ले गए आपको कोई बोलने नहीं दे रहा है तो आपको भी सुनाने का राइट right है अपनी बात आप रख सकते हैं पूछा भी जाता है जब कोई डिटेन कर देता है कि भाई साहब आपका कोई कोर्ट ले आपका कोई यहाँ पे वकील है जो आपकी बातें रख सके या फिर आप खुद भी चाहो तो अपना खुद का वकील भी बनना चाहोगे तो इस तरीके की बात भी सामने रखी जाती है कोर्ट में तो ये राइट टू हियरिंग भी वहां पे होता है ठीक है तो ये सारी बातें डिग्निटी किस तरीके से बना के रखनी है और पब्लिक में किसी को भी हैंग नहीं करना है ठीक है जैसे आज की डेट में आप लोगों ने देखा होगा मोब लिंची का नहीं

इसी में से एक बहुत ही प्यारा आर्टिकल निकल के आता है जो अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया है आप लोगों ने बहुत बार क्वेश्चन देखा होगा इसके बारे में आर्टिकल ट्वेंटी फर्स्ट ए तो ट्वेंटी फर्स्ट ए ये आर्टिकल है मैंने आप लोगों को बता रखा है जहां भी कैपिटल वर्ड में कुछ लिखा हुआ जाए तो इसका मतलब वो अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया है तो यहां पर क्या बोला गया है कि फ्री एंड कंपल्सरी ये वर्ड याद रखेगा कंपल्सरी बोल दिया गया यहां पे कि एजुकेशन आप लोगों को प्रोवाइड करानी है किसको छह से चौदह साल के बच्चों को इसके बीच में आप लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करानी ही करानी है ये तो एक बात हो गई दूसरी बात आप लोग यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिल रही होगी यहां पे एक तो बात बोली गई है कि एलिमेंट्री ओनली एलिमेंट्री एजुकेशन का जिक्र किया गया है ओनली एलिमेंट्री एजुकेशन का ही जिक्र क्यों किया गया क्या इससे आगे पढ़ना पढ़ना छोड़ लिखना पढ़ना, देना इससे आगे पढ़ना लिखना छोड़ देना चाहिए ऐसा नहीं है इसके बारे में अभी बताऊंगा सबसे पहले इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आप लोग ये देखिए ये क्या है कि देखिए अगर कोई फंडामेंटल राइट right है ठीक है तो अगर कोई पहले आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा यहां पे इसको फंडामेंटल राइट right बना दिया गया ठीक है तो अगर फंडामेंटल राइट right है तो वो निकाला गया है। कहां से निकाला गया है? वो निकाला गया गया वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से तो जो डीपीएसपी है जो कि हमारा आगे चैप्टर आएगा उसको डिस्कस करेंगे तो पहले इस तरीके की एजुकेशन कंपलसरी और फ्री एजुकेशन का जो जिक्र किया गया था वो कहां पर जिक्र किया गया था वो डीपीएसपी में जिक्र किया गया था पार्ट फोर में ठीक है ना पार्ट फोर में डीपीएसपी में जिक्र किया गया था आर्टिकल फोर्टी में तो वहां पे बोला गया था कि आप लोग कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराना है और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराना है पर लेकिन आप लोग क्या जानते हैं इसके बारे में आप लोग जानते हैं कि डीपीएसपी जो है वो हमारी गवर्नमेंट के ऊपर बाइंड नहीं होता है कि उसको इंप्लीमेंट करना है अगर उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं ये आप लोगों ने देखा होगा ठीक है तो यहां पे आप लोगों से अगर क्वेश्चन भी आए हालांकि मैंने ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं है पर पूछा जा सकता है फ्यूचर में क्या हम डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट right में चेंज कर सकते हैं अच्छा खासा एग्जाम्पल है चेंज किया जा चुका है कर सकते नहीं कर दिए हैं तो डीपीएसपी को यहां पर जो पहले डीपीएसपी थी उसको फंडामेंटल राइट right बना दिया हम लोगों ने ठीक है, फंडामेंटल राइट right पर यकीन अवेलेबल है ये छह से चौदह साल के बच्चों के लिए तो डीपीएसपी हमने चेंज करके फंडामेंटल राइट right बना दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 86 के तहत तो आप लोगों से डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसा तीन चार अमेंडमेंट दे देंगे कि कौन सा अमेंडमेंट है जिसने डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट right में चेंज कर दिया गया तो बहुत तरीके होते हैं क्वेश्चन पूछने के अगर आपके पास में बेसिक कॉन्सेप्ट है तो आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके ले जाओगे ठीक है तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए तो आप उस टाइम पे किसी भी तरीके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके ले जाओगे तो एजुकेशन फॉर ऑल की बात की जाती है देखिए अगर बात की जाए एजुकेशन फॉर ऑल ठीक है तो एजुकेशन फॉर ऑल की बात इसको अचीव करना है एम बनाया गया है ऐसा कंपलसरी है, नहीं है ये अभी कंपलसरी किसके लिए कंपलसरी है छह से चौदह के लिए पर एम ये है कि आगे चल के ऑल के लिए भी इंप्लीमेंट इसको किया जा सकता है अगर रिसोर्सेज हैं हमारी गवर्नमेंट के पास में डीपीएस भी इंप्लीमेंट करने के लिए रिसोर्सेज की बात आती है अगर रिसोर्सेज नहीं है तो किस तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएंगे वो बात आती है सामने निकल के ठीक है तो यहां पर यही बात बोली गई है कि छह से चौदह साल के बच्चों के लिए पर लेकिन इससे बाद में इसके आगे फिर कई सारे प्रोविजन और भी हैं जिसको पढ़ा जा सकता है

कि यहां पर डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट right में चेंज किया गया है और डीपीएसपी में से ही आप लोग देखा जाए तो यहां पर एक फंडामेंटल ड्यूटी भी निकल के आई है आप लोगों ने देखा होगा फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई है किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ऐड की गई थी फंडामेंटल ड्यूटी कमेंट बॉक्स में लिखिए यहां पर ऐड की गई है फिफ्टी वन ए आर्टिकल में फंडामेंटल ड्यूटी क्या ड्यूटी ऐड की गई है ड्यूटी बनाई गई है एवरी सिटीजन को जिसके भी पास में बच्चे हैं ठीक है जिसके भी पास में बच्चे हैं कि बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करानी है ये उनकी ड्यूटी है छह से चौदह साल के बच्चों को क्योंकि देखिए फंडामेंटल राइट तो बना दिया पर राइट right भी तभी होगा ना जब किसी के ऊपर वो ड्यूटी इंपोज की जाए क्योंकि कोई तो ड्यूटी होगी जिसकी जो राइट right प्रोवाइड कराएगा तो वो हमारे पेरेंट्स के ऊपर ही ये ड्यूटी इंपोज की गई है सिटीजन ऑफ इंडिया के ऊपर पेरेंट्स के ऊपर नहीं कह सकते वैसे अगर आप लोग भी चाहे देखिए क्या होता है आप लोग क्या करते हैं उसमें जाते हैं सीधे सीधे मतलब कोचिंग में जाते हैं कोचिंग करने के लिए दुनिया भर के पैसे देते हैं एक डेढ़ डेढ़ लाख रुपए अगर आप लोग मान लीजिए ये लेक्चर आप लोग यहाँ पे सुन रहे हैं आपको फायदा हो रहा है आप लोगों को लग रहा है कि मेरे पैसे बच जा रहे हैं तो क्या कर सकते हैं किसी बच्चे की किसी बच्चे को पढ़ा सकते हैं सबसे पहले तो बात यही होगी इसके अलावा अगर लगता है तो किसी बच्चे का स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं उसकी फीस भर सकते हैं आप लोग तो यहां पर आप लोग इतना कर सकते हैं ये हमारी आप ड्यूटी समझ सकते हैं इसको अपनी अगर चाहे तो पर लेकिन देखिए आपकी आपकी खुद की सोच के ऊपर डिपेंड है इसको कोई आपके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करेगा अब बात करता हूं एलिमेंट्री एजुकेशन की तो ये एलिमेंट्री एजुकेशन है इसको समझ लीजिए आप लोग एक बार एलिमेंट्री एजुकेशन ये आप लोग पूरा सिस्टम यहां पर समझ लीजिए देखिए हमारे यहां पर सिस्टम दे रखा है पूरा पांच की क्लास से अगर लेके चला जाए ये हो गया यहां पर ये हो गए यहाँ पर प्री प्राइमरी अगर बात की जाए तो एलिमेंट्री एजुकेशन की जब बात की जाती है तो वो कहाँ से कहाँ तक आती है तो एट्थ क्लास तक आती है ठीक है ना तो एट क्लास तक बात आती है जब एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की जाती है तो एटथ क्लास तक छह से चौदह के बच्चों को ये एजुकेशन प्रोवाइड करानी है एलिमेंट्री एजुकेशन में दो तरीके की एजुकेशन आती है एक तो प्राइमरी स्कूल और फिर दूसरा आता है अपर प्राइमरी स्कूल तो प्राइमरी स्कूल कहां तक आती है ये आप लोगों को दिख रहा है यहां पर तो ये वाला हो गया ठीक है ना तो फिर जो प्राइमरी स्कूल आती है वो पांच तक आती है फिर इसके बाद में जो ऊपर वाली चलती है वो तीन क्लासे फिर अपर प्राइमरी स्कूल में पहुंच जाती है तो ये आप लोगों को याद रखनी है इसको बोलता है ये वाली कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जानी है हमारे यहां पर ये इतने वाला पोर्शन आप लोगों को याद रखना है बाकी का पोर्शन ये वाला किसी दिन टाइम लगेगा तो पूरा अच्छे से तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा तो अभी, तो अभी थोड़ा समझ लीजिए सेकेंडरी में आ जाता है और ये हायर में आ जाता है कंपलसरी एजुकेशन यहां पर प्रोवाइड करा रहे हैं हम इस वाले पोर्सन में प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं क्यों नहीं करा रहे प्रोवाइड कराएंगे अगर इतने सारे रिसोर्सेज हमारे स्टेट के पास नहीं है क्योंकि तो अगर कोई कल को बोलेगा मुझे फॉरन में जाके एजुकेशन लेनी है तो सामने वाले बंदे ने तो बोल दिया कि मुझे फॉरन में जाके एजुकेशन लेनी है जरा सी देर में गवर्नमेंट अगर मान लीजिए कुछ बंदे जाने भी लगे तो गवर्नमेंट कहां से इतना पैसा लेके आएगी अगर कंपलसरी में ही आ जाएगा ठीक है तो काफी काफी कॉस्टली एजुकेशन पड़ जाती है आगे चल के तो इसलिए स्टेट ये वाली प्रोवाइड नहीं करा सकता इतने सारे रिसोर्सेज नहीं है आने वाले टाइम में रिसोर्सेज हो सकते हैं या फिर रिसोर्सेज की जरूरत ना पड़े ऑनलाइन इतने सारे इंस्टीट्यूशन खुल गए इतने सारे यूट्यूब के चैनल है वहां पर एजुकेशन अच्छी खासी प्रोवाइड कराई जा रही है तो आने वाले टाइम में ये चीजें मिल सकती है ठीक है तो इसको देखे रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है कितने रिसोर्सेज हैं हम लोगों के पास में तो इसके बारे में थोड़ा और देख लीजिए यहां पर जब इसका एक्ट निकल के आया तो ये एक्ट बाद में निकल के आया ऐसा नहीं है उसी दिन बना दिया गया तो पास तो यहां पर चीजें की गई सुप्रीम कोर्ट ने बातें बोल दी सारी कि फंडामेंटल राइट बना दो इसको प्राइमरी एजुकेशन के लिए पर तभी इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया राइट टू तो एजुकेशन का कॉन्सेप्ट बाद में, में निकल के आया तो राइट टू एजुकेशन का बाद में निकल गया पर वो भी लिमिटेड है छह से चौदह साल के बच्चों के लिए यहां पे लिखा हुआ है इकोनॉमिक कैपेसिटी के बेस पर अगर स्टेट को देखा जाए तो वो लिमिटेड है ठीक है इस स्टेट के पास में इकोनॉमिक कैपेसिटी ऐसी नहीं है कि वो हर एक इंसान को एजुकेशन प्रोवाइड करा सके तो आर्टिकल ट्वेंटी ए में ये बातें रखी गई है राइट right, ये रखा गया है राइट ऑफ द चिल्ड्रन टू द फ्री एंड द कंपल्सरी एजुकेशन जिसको आर एक्ट टू डबल जीरो नाइन भी बोला जाता है आप लोगों ने कई बार इसके बारे में सुना होगा तो एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की जाती है यहां पर आप लोगों को ये याद रखना है ओके तो एलिमेंट्री एजुकेशन क्यों दी जाती है देखिए आप लोगों ने अगर सुना होगा बच्चों के बारे में तो यह बोला जाता है कि जो बच्चा होता है ना वो बिल्कुल एक तरीके से मतलब खुली किताब क्या बोलूँ उसको मतलब बिल्कुल ब्लैंक कॉपी की तरह होता है मतलब बिल्कुल ब्लैंक होता है बच्चा स्टार्टिंग में अगर उसको देखा जाए तो उसको आप लोग बोलेंगे बिल्कुल कोरा पन्ना बोलेंगे आप लोग ठीक है ना ब्लैंक ब्लैंक सीट बोलेंगे उसको तो उस टाइम पे उसके उसके माइंड में जो भी बातें दी जाती हैं जो भी उसका एजुकेशन दी जाती है तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात होती है उस टाइम पे जो जो भी उसका उस टाइम पे जो जो भी उस टाइम पे उस जो भी उस टाइम पे सोचने समझने की क्षमता बनती है वो पूरी लाइफ उसके साथ में रहती है तो इसीलिए एक प्रॉपर वे की जिसे सोसाइटी में इक्वलिटी आ सके जस्टिस आ सके डेमोक्रेसी आ सके क्योंकि जब पढ़ेगा लिखेगा तभी तो अपने राइट्स वगैरह जानेगा तभी तो चीजों को समझ पाएगा सोसाइटी में क्या हो रहा है तो एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए इसको इस तरीके की एजुकेशन सबके लिए रखी गई यहाँ पर तो ये कॉन्सेप्ट वहां से निकल के आया कि सबको एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सके सबके बारे में सोचा जा सके तो इसीलिए आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए इसीलिए यहां पर इतनी डिटेल में मैं बता रहा हूं ताकि आप लोग दूसरों को भी पढ़ा सके ठीक है ना The cat sat on आप तो आप लोगों से ये मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो भी आप लोग यहां से सीखते हैं या तो किसी को पढ़ा दीजिए अगर किसी को पढ़ा नहीं सकते हैं तो चैनल को ला उनको सब्सक्राइब करवा दीजिए उनको बता दीजिए कि यहां पर ये चीजें सीखने को मिल रही हैं अगर खुद पढ़ा सकते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि आप लोगों का रिविजन भी हो जाएगा अगर लगता है कि खुद नहीं पढ़ा पा रहे इतना टाइम नहीं है तो उनको वीडियो शेयर कर दीजिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए करवा दीजिए उनसे तो देखिए जिस तरीके से आप टू अगर आज की डेट में देख रहे हैं लगभग डेली व्यूज जो जाते हैं दो हजार के करीब पहुंच जाते हैं अगर आप एक एक बंदे को भी पकड़ के लेके आ रहे हैं तो एक एक बंदे का आप अपने इन्वॉर्मेंट में उसकी लाइफ

तो अपने आसपास में पानी को सेव करिए पेड़ को सेव करिए और अपने आसपास सफाई भी रखिए और ये बात फिर निकल के आती है कि एक कोई कैंडल अगर किसी को रोशनी पहुँचाती है तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा और लर्निंग प्राइज है सीखते रहिए और इन्जॉय करते रहिए तो आज के लिए इतना ही थैंक्स अलॉट फॉर लिसनिंग जय हिंद